सदर सीट से गठबंधन प्रत्याशी सौरव स्वरूप का नहीं थम रहा विरोध। टिकट फाइनल होने के बाद भी आज फिर लोगों ने किया सौरव स्वरूप का विरोध। भारी संख्या में टाउन हॉल मैदान में जुटे युवा और राजनीतिक लोग राकेश शर्मा को समर्थन देने की कही बात। कहा, अखिलेश यादव ने किया ब्राह्मण समाज के लोगों को आहत करने का काम। टाउन हॉल मैदान में इकट्ठा हुए लोगों ने उड़ाई आचार संहिता की धज्जियां। प्रदर्शनकारियों ने रोड पर लेटकर किया जोरदार प्रदर्शन। सौरव स्वरूप का पुतला फूंक कर जताया विरोध। क्या पूरा मामला, किस बात को लेकर इकट्ठा हो रहे हैं भाई? ये पूरा ब्राह्मण समाज है पूरे जिला मुजफ्फरनगर का, लेकिन कोरोना की जैसे बीमारियों को देखते हुए और ये जो चुनाव आचार संहिता का मामला है देखते हुए मैंने खत्म कर दिया शॉर्ट मामला। ये है कि सहारनपुर मंडल में किसी भी सीट पर किसी भी प्रत्याशी द्वारा ब्राह्मण समाज को कोई टिकट नहीं दिया गया। यहाँ से राकेश शर्मा टिकट के दावेदार थे लेकिन उन्हें भी नहीं दिया गया टिकट, और उनके साथ 36 बिरादरी खड़ी हुई है। और हमारा पार्टियों के नेताओं से ये अनुरोध है कि इस तरह हमें एक यूज करने का साधन ना समझा जा, कि हमें इस्तेमाल किया या वोटर बनाया कि हमें ना छोड़ा जा, ये सब गलत है। यह तो इस पर पुनर्विचार कर ले, नहीं तो हमारा इन लोगों से कोई संबंध नहीं रहेगा, समाज स्वतंत्र होगा। समाज यहाँ राकेश शर्मा की साथ बंधा हुआ था, अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लोग स्वतंत्र हैं, हम जहाँ जाके फिर वहाँ वोट देंगे। हमें कल को ये ना हो जाए कि भाई हमें ब्राह्मण समाज ने उनके समर्थकों ने हमारे साथ धोखा करा। क्या जैसा आप लोग विरोध कर रहे हो इसका लाभ तो फिर सीधा सीधा बीजेपी को जाएगा? किसी को जो हमारा कौन सा बीजेपी का कोई झगड़ा थोड़ा ना, मेरी भैंस नहीं खोला कि भाई मारी उन्हें चक्रोड नहीं काट रहा कि मेरी किसी का कोई झगड़ा थोड़ा है, हमारा किसी का कोई झगड़ा नहीं है। लेकिन एक इस तरह से आप एक बिरादरी को टारगेट करके जूते मारने का काम करोगे तो ऐसा कैसे हमें करने? हम लोग समाज को रास्ता दिखाने का काम हम लोग करते हैं। आज हमारे समाज डूबने का काम कर रहा तो हमारे लिए सोचने का विषय है, ऐसे हम कैसे होंगे? अगर समाज में रहना है तो जीवित रहने का एहसास कराना पड़ेगा, इन लोगों को दोबारा सोचना पड़ेगा। नहीं सोचते, ये अपने अंजाम के लिए तैयार है, उसके लिए हमारा कोई फिर ये नहीं है। ये तो जनता खुद बता देगी भाई, कोई किसी का कोई ना तो किसी पर कोई दबाव है ना कोई जोर है, ये तो जनता आपको बता दे क्या होना क्या नहीं होना। ये पूरे मंडल में पता लग जाएगा, सारा समाज जितने भी ब्राह्मण संगठन है सब लोग खड़े हो गए, पूरे प्रदेश में इस चीज का मैसेज आ रहा है। अरे भाई क्या करना, हमें प्रत्याशियों का हमें नहीं पता, हमें पता भाई जी हर बिरादरी को आप साथ लेकर चल रहे तो इसी समाज को ब्राह्मण समाज को क्यों आप छोड़कर चल रहे? इससे क्या एलर्जी, हमने कौन देने की भैंस खोल की? कांग्रेस पार्टी के द्वारा ब्राह्मण समाज के एक नेता को चुनाव लड़ाया तो क्या ब्राह्मण समाज कांग्रेस के साथ जाएगा? वो समय बताओगा क्या होगा जी, जो हमारे जो हमें पूछेगा हम उसके उससे पूछेंगे भाई, बिना पूछने वाले के नहीं हम जाएंगे बिल्कुल भी, जो हमें पूछेगा हम उसके साथ रहेंगे। राकेश भाई जिंदाबाद। भाई हम लोग कह रहे समाज तो समाज का एक ही तो लीडर हो भाई, समाज का एक तो लीडर सारे थोड़ा हो गए, यहाँ समाज एक के पीछे चला, जो दुख दर्द में हमारे साथ खड़ा मुझके साथ है, 36 बिरादरियों का है, तो 36 बिरादरी का समर्थन है। जी यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, किस तरह का ये प्रदर्शन किया जा रहा है? पहले तो मैं अपना परिचय दूं, मेरा नाम सुभाष चंद्र गौतम, राष्ट्रवादी ब्राह्मण महासंघ का जिला अध्यक्ष हूँ। और जो हमारे समाज में बात चल रही थी टिकट देने के लिए राकेश शर्मा के लिए, उसको 3 दिन का समय और बढ़ाकर नेगलेक्ट कर दिया गया। हमें इसका बहुत रोष भी है, विरोध भी हम कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ आते, लेकिन कोविड महामारी को देखते हुए और अच्छा चुनाव की आचार संहिता को देखते हुए हम सूक्ष्म लोग यहाँ आए हैं अपना विरोध जताने के लिए। हमें सिर्फ वोट बैंक बना के रखा गया है, हमें बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं देते तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। और आने वाले समय में अगर कोई राजनीतिक पार्टी हमारे समाज को नहीं पूछते तो हम विवश होंगे नोटा को दबाने के लिए। हम किसी का समर्थन करें जो हमें नहीं पूछेगा तो हम उसको बिल्कुल नहीं सहयोग करेंगे।